अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। प्लीज़ आज तो मैं स्टार्ट में ही कह रही हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। सो सुबह का स्टार्ट हो गया है, मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हमजा का चॉकलेट सैंडविच, ईसा के चीज़ सैंडविच, हम अज़र के चीज़ एंड सैलड सैंडविच, ज़ियान को मैं अभी देखती हूँ और अब खुद को भी देखती हूँ कि मैंने क्या खाना है। ईसा का खाली मैंने चीज़ सैंडविच ही बनाया था, कहा मैंने उसको यही था कि तुमने चीज़ सैंडविच लेना है, और उसने कहा हाँ जी। जब बना के दिया है तो मुझे कहता है ओह मैंने तो समझा था तुम मुझे चीज़ एंड अनियन सैंडविच बना के दे रही हो। तो अब मैंने देखे अनियंस काट के उसी सैंडविच के अंदर हल्के हल्के डाल दिए, मैं वैसे टोस्ट कर रही हूँ। ये लो मैंने चीज़ एंड अनियन कर दिए। थैंक यू मम्मा जी। ब्रेकफास्ट इज़न्ट इट, यू हैड क्रंची नट? हाँ डैम, तो मैं भी ईसा ने दिया था, ये लो बनाना खाओ। एक ओपन आया, ओपन इट को ईट बनाना। रेडी होने लगी हूँ, मैंने एक दो चीज़ें वापस करवानी है, काफ़ी दिनों से पड़ी हुई हैं तो मैंने वापस करानी है। ठीक है, मैक्स जाना है, मैंने सेंसबरीज जाना है, वहाँ से थोड़ी चीज़ें वापस करवाऊँगी, और दूध आने वाला है, दूध लेके आऊँगी, और आज पप्पो की बर्थडे है तो हम शायद उनकी तरफ भी जाएं, अभी कंफर्म नहीं पता। सर काम कर रहा है, आई ट्राइड कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉस को कॉल करूं, किसी ने अभी तक उठाई नहीं है कॉल। हालांकि मेरी दोपहर में बात हुई थी लेकिन तब कोई प्लान नहीं था, पर अब मैं सोच रही हूं, तो अब देखते हैं, अगर सब जा रहे हुए तो फिर हम पप्पो के पास भी जाएँगे। अब मैं रेडी हो गई हूँ और बस मैं निकलने लगी हूँ घर से, और निकलने से बिल्कुल पहले ना मुझे नज़र आया कि यहाँ पे तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है जो मैंने इस्त्री करना है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं है, नहीं मैं अभी इस्त्री कर रही हूँ, तो मैं अब कल ही करूँगी इस्त्री। तो मैं भी मैं क्या कहूँगी, ये मैं हूँ, ये कपड़े हैं और इन्हें मैं नहीं इस्त्री कर रही हूँ। ये इतना बड़ा बैग है, जैसे पता नहीं इसमें क्या क्या है, और इसमें सिर्फ एक जैकेट है जो मैंने वापस करानी है, अज़र ने ख़रीदी थी तो उसे पूरी नहीं आई। इसमें है ही नहीं। अच्छा गाड़ी की चाबी किधर है? जैकेट में होगी। जैकेट किधर है? अल्लाह पूरी जैकेट को अब छानते फिर, कोई नहीं है इसमें। मिल गई है चाबी, जूते निकालते हैं। सारा माल मेरी जैकेट की पॉकेट से निकला है, मैंने कहा इतनी भरी हुई क्यों है मेरी जैकेट्स। चलो हैंड सैनिटाइजर तो बनता है, बाकी इतना सामान क्यों है। ये और ये देखें ये क्या निकला, मेरा ब्रेसलेट भी इसी में मेरी जैकेट की पॉकेट में था। अब ये मेरी खाला ने देख लिया ना तो खूब डांट मुझे पड़ेगी कि तू चीज़ें नहीं संभाल के रखती। ये भी जैकेट की पॉकेट से निकल रहे हैं, कोई काम की चीज़ें, टिश्यू है सारे फेंकने वाले। ये कोई पता नहीं कौन कौन सी रसीदें संभाली हुई है मैंने, ये लिपस्टिक और ये तो वापस आएगा। ये भी नहीं रख देती हूँ, बाद में आकर निकाल दूंगी। पोनी टेल्स ये जो है ये मैं सब जूते पहन के निकलते हैं। ओह माय गॉड, बाहर फिर से बारिश हो रही है। एक तो मैं इससे बड़ा तंग हुई, हर वक्त की जो बारिश रहती है। बैग अंदर रखा, अब बारिश शुरू, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अरे मेरे बाल शीशे के अंदर आ गए। तो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना हैंडबैग अंदर ही भूल आई हूँ। शाबाश अलविदा। एक बाहर बारिश हो रही है ऊपर से, स्यापा। ज़ियान दरवाजा खोलो, हमजा
बैग पकड़ाओ अंदर से, इधर पड़ाओ अंदर, ये थैंक यू। दरवाजा बंद करो प्रॉपरली। वाह क्या स्टाइल है। अपना ये आगे बस लग गई है, ये 60 की रोड है और हम 40 से आगे नहीं जा रहे, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की बस के पीछे। मेरा पाँव ना तड़प रहा है पीछे पैडल के ऊपर कि किसी तरह से मैं स्पीड ज़्यादा कर लूँ। ये अब मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, अब जाके मैं चीज़ें वापस कराती हूँ। सबसे पहले तो ये वापस कराती हूँ। यहाँ पे तो कोई खड़ा ही नहीं है, सारे काउंटर खाली पड़े हैं। I want to return these. अब मैं जा रही हूँ सेंसबरीज, यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें वापस करानी है और दूध लेना है। पहले मैं जाके ट्रॉली लेती हूँ और फिर जाती हूँ। ट्रॉली के लिए भी इतनी दूर चल के जाना पड़ना, इतनी बारिश हो रही है। Now my shopping is all done. सिर्फ दूध लेने आई थी और इतना कुछ और ले लिए। एंड आई नीड टू रिटर्न दीज, हमजा को छोटे हैं और साथ में उसके ट्राउजर्स। ये अब मैं इनको लेके वापस जा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन बाय किए थे और ऑनलाइन सिर्फ आर्गोस पे रिटर्न होते हैं, जैसे इंस्प्री के अंदर आर्गोस होता है सिर्फ। अब मैं गाड़ी में आके बैठी हूँ, पता नहीं क्यों यकदम से मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। बस मैं फटाफट घर जाना है मैंने, क्योंकि घर मेरा कोई इतना दूर नहीं है, लाइक 5-7 मिनट्स, और फिर मैं जाके कुछ खाती हूँ। मैं बैग को सीट के लेके जाने लगी हूँ किचन में, इतनी भूख लग गई है कि बैग नहीं उठाया जा रहा। ये इतना सा मैंने सालन लिया है, फटाफट गरम किया है, साथ में कल की इतनी सी रोटी पड़ी हुई थी ये मैंने लिया है, मैं फटाफट खाऊंगी। बच्चे तो कह रहे हैं उन्होंने बाहर जाके कुछ खाना है, बर्गर वगैरह, तो फिर हम कहीं बाहर जाएंगे। मज़ेदार। जब मैं खाना खाने लगती हूँ ना इन्हें अपनी भर जाती है। अच्छा कहाँ पे जाना है भाई? एक ये भी खा लेते हैं। मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। एक और खा लेती हूँ। मैंने ना असर को नहीं बताना, मैं ना पर ज़ियान के लिए थोड़े से ना चावल डाल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके चिकन नगेट्स भी रो धो के खाते हैं। मैंने नोट किया चावल रोटी ये चीज़ें बहुत शौक से खा लेते हैं, तो मैंने पुलाव जो उनसे है ये थोड़ा सा मैं ज़ियान के लिए डाल रही हूँ, ताकि मैं इसको वहाँ पर चिप्स वगैरह लेगा साथ में ये खिलाऊँगी। बोटियाँ ही बोटियाँ हैं, थोड़े से साथ में चावल डाल देते हैं। मैं इसको माइक्रो करती हूँ और फिर चोरी चोरी से रखूँगी।